Hello guys, today I will tell you the perfect strategy to score 180 on 180 in physics in NEET 2023. एक सेकंड, तू कौन होती है बताने वाली? तेरे कितने मार्क्स आए थे NEET में? So guys, ये तो नहीं बताएगी. I will tell you the perfect strategy, like how you can score a good score in physics. And मैं आज आपको अपना पेपर भी दिखाऊंगा NEET का, NEET 2022 का. एंड ये भी बताऊंगा कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी एंड क्या तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए. जो मैंने मिस्टेक्स की वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा. एंड सबसे पहले तो मैं अपना NEET 2022 का पेपर दिखाता हूँ एंड दिखाता हूँ कि मैंने उसमें क्या मिस्टेक्स की थी. सो लेट्स गो. सो गाइज अभी है मेरे पास मेरा NEET 22 का पेपर एंड मेरा वो था कोड R1, जैसे कि तुम देख सकते हो. तो अभी मैं दिखाता हूँ कि मेरे फिजिक्स में कितने क्वेश्चन गलत हुए थे टोटल. तो मेरे 150 मार्क्स थे फिजिक्स में, मतलब मेरे 6 क्वेश्चन गलत हुए थे. इसमें से एक क्वेश्चन तो ये वाला था, रेक्टिफायर वाला, मतलब मॉडर्न का एक क्वेश्चन, मॉडर्न का दूसरा क्वेश्चन. तो दो क्वेश्चन तो मेरे मॉडर्न के गलत हुए थे. एंड मैं दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है. एक ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो सोप बबल वाला, थ्योरी वाला क्वेश्चन है. एंड ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है. ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं. ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट डबायो सेवेट लो की जो तुम एनसीईआरटी में मिल जाएगी, डायरेक्ट वो वाली लाइन है. तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ क्योंकि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी फिजिक्स की, जो कि तुम में से काफ़ी ज़्यादा लोग यही मिस्टेक्स करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ते फिजिक्स की. सो अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता फिजिक्स के ढंग से तो फिर मेरा एक ये क्वेश्चन सही हो जाता, एक ये क्वेश्चन सही हो जाता, ये दो क्वेश्चन मेरे सही हो जाते. एंड ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन वाला. अब ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत दिखते होंगे जिसमें एक ऑप्शन होता है 1:√2, दूसरे में होता है √2:1. ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था कि ये ठीक है फिर ये ठीक है. तो मैंने √2:1 मार्क किया था एंड इसका आंसर था 1:√2. तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होते हैं मोस्टली बच्चों के, लेकिन तुम लोग एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ते हो. तो एनसीईआरटी मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ी थी. एंड ये मिस्टेक्स तुम मत रिपीट करना क्योंकि तुम देख सकते हो साफ साफ NEET 2022 के अंदर एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की वजह से मेरे 150 स्कोर आए और जबकि मेरे 160 हो सकते. छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है एग्जाम में जो तुम्हें अवॉइड करनी है. एंड वो अवॉइड कैसे होगी, जब तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उससे. एंड थोड़ा सा एग्जाम का स्ट्रेस भी होता है. तो 60 का हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने 30 कर दिया, बल्कि फुल वेव रेक्टिफायर होता तो 6. देखो यार, मैंने यहाँ पे साइड में डायग्राम भी बनाया था हाफ वेव रेक्टिफायर का कि ये ऐसे है उसके बाद ये हाफ ऐसे हो जाएगा. तो 60 का मैंने हाफ कर दिया था 30. बल्कि क्या होता है, जब ये ऐसे है तो फिर उसके बाद फुल वेव में ऐसे हो जाता है तो 60 का तब डबल हो जाता है 120. एंड इसमें मैंने 60 का आंसर 60 आना था, मैंने 30 कर दिया. सो ये था मेरा फिजिक्स का पेपर. एंड ये मैं तुम्हें दिखा दे कि क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने प्रूव कर दिया है अपना NEET 2022 का पेपर दिखा के. लेकिन प्राची से और पूछते कि उसने क्या क्या क्वेश्चन गलत किए थे NEET 2022 के पेपर में, तो उसके पास चलते हैं एंड उससे क्वेश्चन पूछते कि उनने क्वेश्चन किए थे या नहीं किए थे और उसे अभी ये क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं आते. सो लेट्स गो. सो गाइस चलो चलते हैं क्वेश्चन लेके प्राची के पास एंड पूछते हैं उससे कि उसने नीट के अंदर ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था. अरे क्या कर रही है तू? कॉकरोच पढ़ रही है. अच्छा कॉकरोच का ये बता कि कितने चैम्बर्ड हर्ट होता है कॉकरोच में? 13 चैम्बर्ड. क्या करूं, ये 42 क्वेश्चन पता नहीं 2022 में तो किया ही होगा. मैं बताऊं तेरे को? हाँ बता, कैसे किया था तूने सॉल्व? कर तो रखा है तूने, ये तो फॉर्मूला लगेगा हाफ सी वी स्क्वायर. हाफ सी वी स्क्वायर से होगा ना? हाँ बट तो आंसर तो नहीं आ रहा हाफ सी वी स्क्वायर से. अच्छा जो भी तेरे को प्रॉब्लम आता है कॉन्सेप्ट से में, फिर तू उनको सॉल्व कैसे करती है सेल्फ स्टडी में? अरे यार फिलो ऐप है तो सही, उस पे मैं इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करती हूँ एंड मेरे पास एक एक्सपर्ट टीचर, इस टॉपिक का एक्सपर्ट टीचर आ जाता है एंड वन ऑन वन लाइव सेशन में वो मेरे को मेरे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है. चल मैं तेरे को करके ही दिखा देती हूँ, एक सेकंड में बता देती हूँ. एंड मैं उसे फेवरेट्स में भी ऐड कर सकती हूँ अगर मेरे को. चल ठीक है, तो क्वेश्चन करके दिखा पहले, बोल तो बहुत रही है. अच्छा तो अभी इसके अंदर क्या करना है, फोटो खींच के ये आ जाएगा टॉपिक. अच्छा. जैसे फिजिक्स का है, कौन से चैप्टर का है? तो अभी देखना, इतने सेकंड्स में लाइव टीचर से कनेक्ट हो जाऊंगा. हेलो, गुड इवनिंग सर. जो भी सेल्फ स्टडी कर रहा है वो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, फिलो ऐप. इसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में.
नाउ आई विल टेल यू 7 की पॉइंट्स जिनको फॉलो करके तुम्हारे फिजिक्स में एक मेजर इंप्रूवमेंट जरूर आ सकता है. सो पहला डाउट सभी को ये होता है, क्या फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स? सो गाइस डेफिनेटली नीट 2022 का पेपर देख के तुम, जिसके अंदर दो क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट, जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है बुक के अंदर, वहां से क्वेश्चन आ रखा था. सो डेफिनेटली एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180. फिजिक्स की थ्योरी के अंदर जो डेफिनेशन वाले पार्ट हैं, जो डेफिनेशन वगैरह हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के फिजिक्स के एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी. एंड ये एक मेरा ड्रॉबैक रह गया प्रिपरेशन के टाइम पे, ये मेरी गलती रह गई प्रिपरेशन के टाइम पे. मेरे को भी पूरी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए थी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के. तो जो मैंने गलती की थी वो तुम लोग रिपीट मत करना. अगर तुम्हें 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है ना, सो कंप्लीट फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी पढ़ना एंड एनसीईआरटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें नहीं भूलना है, वो है इनटेक्स्ट क्वेश्चन तो जरूर करने हैं. एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, वो इंपॉर्टेंट है, जरूर करने हैं. एंड क्वेश्चन वाले पार्ट भी तुम कर सकते हो. ये तीन चीजें तो तुम्हें मस्ट है जो करना है. थ्योरी अगर तुम्हें 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है एंड, तो फिर तुम्हें हसल तो करना पड़ेगा गाइस, तो तुम्हें थ्योरी भी पढ़ना है. क्योंकि तुमने देखा नहीं 2020 में दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थ्योरी से आए हुए थे, जो एनसीईआरटी की लाइन से. एंड क्लास 11th के एनसीईआरटी में जो मेजर पार्ट ऑफ मैकेनिक्स का है, उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी से करना, लेकिन 180 आउट ऑफ 180 करना है तो फिर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो. सो गाइस दूसरा पॉइंट आ जाता है लिमिट योर रिसोर्सेज का. अब यार ऑनलाइन तुम्हें कोई कभी कोई टीचर बोलता है कि मेरे लेक्चर्स फॉलो कर लो 180 आउट ऑफ 180 के लिए, कोई बोलता है कि मेरा क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लो 180 आउट ऑफ 180 के लिए. सो मतलब हमें, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं. कभी हम इन टीचर से पढ़ते हैं, कभी हम उन टीचर के पास जाते हैं, कभी इनके पास जाते हैं, कभी उनके पास जाते हैं, कभी इस दीदी भैया का पूछ लेते हैं, कभी उस दीदी भैया का पूछ लेते हैं. सो गाइस इससे नहीं होगा. तुम्हें एक टीचर को फॉलो करना है जिसका तुम्हें समझ में आता है, जो तुम्हारे कोचिंग का टीचर है, जो तुम्हारे ऑनलाइन बैच का टीचर है, जो तुम्हारे स्कूल का टीचर है, या फिर जिससे भी तुम पढ़ रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब पे कहीं पे भी, एक टीचर होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है. एंड उसके बाद तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए. एंड क्वेश्चन बैंक कैसा होना चाहिए, या तो तुम्हारा वो मॉड्यूल होगा कोई किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का, या फिर तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड बुक MTG जैसे हो गया. एंड ऐसा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए तुम्हारे पास जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो, मतलब सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें कवर किए जाए, ठीक है. सो एक टीचर, एक क्वेश्चन बैंक. थर्ड, तुम्हें PYQs करना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये मैं बार बार बोलूंगा कि PYQ करना, नीट के PYQ करना, एंड JEE के भी PYQ कर सकते हो गाइस. मैंने भी अपने टाइम पे किए थे JEE मेंस के PYQ, एंड उनसे भी क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट. मैं दिखा देता हूँ, मैंने कोचिंग के मॉड्यूल भी फॉलो, कोचिंग के क्वेश्चंस भी किए थे, एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी उसके भी किए थे, एंड JEE के भी किए थे. तो फिर तुम्हें भी ये सब करने होंगे. सो PYQs करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, एंड एक टीचर को फॉलो करो. कभी इसके पास जाओ, कभी उसके पास, कभी इसके शॉर्ट नोट्स देख लिए, कभी उसके क्वेश्चन कर लिए, ऐसे नहीं होगा. जिस पे एक बार स्टिक कर जाओ उसी पे करो. रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, ज़्यादा रिसोर्सेज लोगे तो फिर तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा. एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, एंड एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तुम्हें क्वेश्चन करने पड़ेंगे. सो प्रैक्टिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि जो भी तुम क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए. क्योंकि जब नीट का एग्जाम दोगे तो फिर तुम्हें 200 मिनट्स होंगे तुम्हारे पास, एंड 200 इक्वेशन तुम्हें देखने पड़ेंगे. उस टाइम पे तुम ये दिमाग नहीं लगा सकते कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा. तुम उस टाइम पे शार्प माइंड होना चाहिए गाइस, शार्प माइंड. कि क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में स्टिक किया, एंड आंसर पे टिक हुआ. इतना फास्ट होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें बस एक ही मिनट मिलती है. सो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि तुम हर टाइप के क्वेश्चन करोगे, एंड हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे, ये तुम्हें किसी भी स्टैंडर्ड मॉड्यूल के अंदर मिल जाएंगे. चाहे तुम आकाश का लो, फिर या फिर पताल का लो, या फिर तुम बैलन का लो, या फिर एलन का लो, लेकिन उनके मॉड्यूल्स के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं. एंड क्वेश्चन तुम करो, जो तुम्हारे क्लास नोट्स होते हैं ना, क्लास नोट्स, उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे हर टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करवाते हैं सर, डेफिनेटली करवाते हैं. मैंने अपने क्लास नोट्स वाले क्वेश्चन एटलीस्ट 30 टाइम्स तो किए ही होंगे,
इतने बार मैं रिवाइज कर चुका था अपने पीडब्ल्यू के क्लास नोट्स कि वो वाले क्वेश्चंस तो मैंने रट लिए थे। एंड ये जो देखे देखे क्वेश्चंस होते हैं ना फिर नीट में, तो कॉन्फिडेंस भी अलग बिल्ड होता है एंड आंसर पे बड़ा बड़ टिक होता है। सो स्टैंडर्ड कोचिंग मॉड्यूल, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, यहाँ से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहाँ से तुम्हें जो वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो जरूर करना। एंड जो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हों उसकी तुम्हें एक क्वेश्चंस मिस्टेक क्वेश्चंस वाली एक नोटबुक बनानी है, ताकि लास्ट के 2-3 मंथ में तुम्हारे पास प्रेसाइज मटीरियल हो रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ से तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। व्हाट रिसोर्सेज टू फॉलो, अभी रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने चाहिए। अभी आज से 10 साल पहले की बात होती ना तो फिर मैं तुम्हें बोलता एच सी वर्मा भी पढ़ लो, एररलेस भी पढ़ लो, ठीक है, डीसी पांडे भी पढ़ लो, सब कर लो। लेकिन अभी जो दो तीन साल से जो चल रहा है ना, तो फिर तुम्हें भाई एनसीईआरटी तो ज़रूर कर लो, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड कोचिंग के मॉड्यूल कर लो, ठीक है, पीवाईक्यू कर लो, ठीक है, एमटीजी भी कर सकते हो, तो ये सब तो तुम कर लो। अभी तुम एच वर्मा लेके बैठोगे, उसके तुमसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, फिर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा कि पढ़ाई गई बाढ़ में। देखो मैं भी लेके आया था अपने टाइम पे डीसी पांडे, इतनी मोटी मोटी किताब लेके आते हैं हम, एंड फिर उसके एक दो चैप्टर पढ़ते हैं फिर उसको हम छोड़ देते हैं। सो तुम स्मार्ट वर्क करो यार, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क का टाइम आ चुका है। जो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो करो, जे के पी वाई यूज़ करो, नीट के पी वाई यूज़ करो, एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। एंड जो एक चीज़ जो मैंने की थी अपने टाइम पे जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया वो थे जीसीआई है एक इंस्टीट्यूट जहाँ पर मैं गया था, उसके मॉड्यूल्स हैं मेरे पास, ठीक है। उसके अंदर एक एक्सरसाइज होती थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते थे उसके अंदर, एंड उसमें जो 170 क्वेश्चंस होते थे ना वो क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से बनाए हुए होते थे, फिजिक्स में भी थे, केमिस्ट्री में भी थे एंड बायो में भी थे। वो क्वेश्चंस करने का मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। एनसीईआरटी से कोई भी चैप्टर रिवाइज करके वो वाला सेक्शन कर लेता था तो फिर मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे, उसमें हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते थे। सो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखना, एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल जिसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज, एमटीजी के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एंड ये सब किताब होगी जो मैंने बता दी कि अभी नहीं करनी होती, पहले के ज़माने में करते थे एच सी वर्मा, एरएलएस, डीसी पांडे, लेकिन अभी इनको करने का कोई भी फायदा नहीं है। पॉइंट है हाउ टू इंक्रीज स्पीड। गाइस मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ नीट 2021 की। सो गाइस नीट 2021 में मैंने बायो के अंदर स्कोर किया था 335, ओके, केमिस्ट्री में मैंने स्कोर किया था 165, ओके, एंड फिजिक्स में मैंने स्कोर किया था 41। जब मैंने बायो की तो फिर मेरे को टाइम मिला, जब मैंने केमिस्ट्री की तो मेरे को टाइम मिला, जब मैंने फिजिक्स की तो फिर मेरा टाइम खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मेरी फिजिक्स छूट गई। गाइस मैं फिजिक्स का पेपर छोड़ आया था, अबाउट मैंने 16 क्वेश्चन किए होंगे जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ के किए होंगे, एंड जो बाकी 6 थे वो मैंने तुक्के मार दिए कि मैम आ गए हैं, पेपर छीन रहे हैं, जो आता है कर लिया, जो नहीं आता जल्दी से तुक्के बन ले। सो गाइस मेरा पेपर छूट गया था, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम्हारे सब कुछ आते हुए भी तुम्हारा सिलेक्शन छूट जाए एंड तुम्हारा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो जाए, तो फिर अपनी स्पीड इंक्रीज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब पेपर छूट जाता है एंड बाद में जो रेगरेट होता है वो यार लाइफ टाइम का रेगरेट बन जाता है, क्योंकि इतना अच्छा स्कोर करने और केमिस्ट्री में मेरे साल भी 165 नहीं आए, इतना अच्छा स्कोर करने और अगर तुम्हारा सिलेक्शन रह जाता है तो फिर दुख तो होता ही है। सो स्पीड इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। गाइस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बार बार कहता हूँ मैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि ये ही रिवाइज करने की चीज़ होती है लास्ट में तुम्हें प्रेसाइज चीज़ें चाहिए, लास्ट में तुम्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए, लास्ट में तुम्हें फॉर्मूला शीट चाहिए, लास्ट में तुम्हें मिस्टेक नोटबुक चाहिए, ताकि अपने क्वेश्चंस देख सको कि तुम्हारे कहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। सो
अपना फॉर्मूला शीट वगैरह बना लो, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। तीसरा, तुम्हारा बेसिक मैथ्स में जब तक दिक्कत रहेगी ना, तो फिर तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब तक तुम्हें इनमें दिक्कत रहेगी ना, तब तक तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। सो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले अपना बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो, अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एंड जो जितने भी चीज़ें होती हैं, क्या क्या बताऊँ मैं तुम्हें, खुद भूल गया, फास्ट कैलकुलेशन करना, सब कुछ बेसिक मैथ्स ही है। तो फिर बेसिक मैथ्स, अपना कोऑर्डिनेशन वगैरह ये सब अपना इसको स्ट्रॉन्ग करो। जब तक बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं होगा, तब तक फॉर्मूलाज भी नहीं समझ में आएंगे एंड कॉन्सेप्ट्स कितने भी कर लो, जब क्वेश्चन करने लगोगे क्वेश्चन समझ में आएगा, फॉर्मूला भी पता है, लेकिन फॉर्मूले में इंटीग्रेशन कैसे करें, डिफरेंशिएशन कैसे करें, यहाँ पे आगे टक जाता है पूरा क्वेश्चन हो गया। लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करना है, लंबा चौड़ा साइन का करना है, कोस में कोस का करना है, साइन में, इसमें आके टक गया और क्वेश्चन गलत हो गया। सो बेसिक मैथ्स क्लियर कर लो एंड उसके बाद अपना डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो गाइस। डेली 50 एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस डेली। उससे क्या होगा ना, तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज होगी एंड इतने क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें पता भी चल जाएगा कि कैसे एक क्वेश्चन को अप्रोच करें, क्योंकि नीट में तुम्हें इतना टाइम नहीं देगा कि तुम सोचो कि क्वेश्चन को कैसे करना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करने लगोगे ना, उतना तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज होगी एंड तुम्हें पता चलेगा कि कैसे एक क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। सो ये सब चीज़ें हैं जो जिससे तुम अपनी स्पीड इंक्रीज कर लोगे। ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना एंड ट्राई करना कि वो टेस्ट सीरीज में तुम्हारा पेपर एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले हो जाए। मेरी इस लास्ट ईयर मिस्टेक थी कि मेरी स्पीड कम थी एंड इस साल मैंने बस स्पीड पे ही काम किया था। सो जब भी मैं मॉक टेस्ट देने जाता था ना, तो मैं पहला बंदा होता था जिसका पेपर ख़त्म हो जाता था कभी 1 घंटा पहले, कभी 40 मिनट पहले, कभी 50 मिनट पहले। सो स्पीड इंप्रूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके तुम्हारा फाइनल नीट के अंदर टाइम पे पेपर कंप्लीट होगा। सो उसके बाद छठा पॉइंट आ जाता है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। अभी बच्चे क्या करते हैं ना, वो लेक्चर्स भी देख लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आ जाते हैं, क्लास के अंदर उनसे क्वेश्चन भी होने लगते हैं, क्लास में जो क्वेश्चन करवाते हैं वो भी होने लगते हैं एंड वो शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो घर पे क्वेश्चन करते हैं ना, घर पे जब वो क्वेश्चन करते हैं, घर पे क्वेश्चंस उनसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि तुमने क्लास में तो कर लिया, क्लास में सर ने पढ़ा दिया, उसके एक फॉर्मूला बता दिया, उस फॉर्मूला पे सर ने क्वेश्चन दे दिया एंड वो फॉर्मूला लगा के तुमने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला पता होना एंड उसका एप्लीकेशन होना ये डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर्मूला तो जो सर क्लास में बताएंगे उसी पे क्वेश्चन देंगे एंड उसी पे क्वेश्चन तुम्हारा ठीक हो जाएगा। घर पे जाके क्या मिस्टेक करते हो कि जाते क्वेश्चन उठा लेते हो एंड वो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते। सो क्या होना चाहिए कि घर पे तुम रिवाइज करो पहले, तो जो भी क्लास में करवाया, क्लास के अंदर जो क्वेश्चन करवाया उनको दोबारा से देखो, उसके बाद क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। उससे पहले जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को देखो कि कैसे क्वेश्चन का अप्रोच किया गया है एंड इतना सब करने के बाद अगर तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तब के लिए, अगर तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे हैं क्लास खत्म होने के बाद, शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट वगैरह बना के तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहे तो एग्जांपल से तुम क्वेश्चन करना सीखो गाइस। एग्जांपल से क्वेश्चन करना सीखोगे ना, तो फिर तुम्हें प्रॉपर मेथड भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। सो एग्जांपल से क्वेश्चन करने के बाद तुम अपने जाओ मॉड्यूल के क्वेश्चंस में या फिर जो भी तुम स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन करते हो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बनने लगेंगे। उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस पे जाना, इजी क्वेश्चंस 70% आते हैं फिजिक्स के नीट के अंदर एंड हार्ड क्वेश्चंस 2 या 3 होते हैं जो रैंक डिसाइड करते हैं। सो ऐसे तुम क्वेश्चन को अप्रोच करो, इस इतना सब करने के बाद ही तुम्हारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे। मिस्टेक्स आई डिड दैट यू शुडंट रिपीट टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180। पहली मिस्टेक तो तुमने मेरे नीट के पेपर में देख ली कि NCERT चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर बायो की हो, डेफिनेटली 100% करनी है इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180, इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर 700+ इन नीट, ठीक है गाइज। सो NCERT करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड पे काम करो गाइज, स्पीड पे काम करो। वो कैसे होगा, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली 50 से 100 क्वेश्चन करोगे पर सब्जेक्ट तो तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी एंड यह क्वेश्चन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम क्लास 11th
और ट्वेल्थ में हो ना तो फिर तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, लेकिन जब तुम ड्रॉपर हो ना तो फिर ड्रॉपर के लिए जो मेन चीज़ होती है ना, मेन चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन ही आने हैं नीट में। अभी तुम बार बार वही फिजिक्स की एनसीईआरटी उठा के बैठ जाओगे, उसकी थ्योरी पढ़ोगे तो फिर वो तुम्हारे इतना काम नहीं देगी। डेफिनेटली वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज ए ड्रॉपर तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सो अपनी स्पीड इंक्रीज करो, एनसीईआरटी पढ़ो एंड थ्योरी वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान दो गाइस। थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं 20-25% तो थ्योरी वाले क्वेश्चन ही होते हैं नीट के अंदर। इजी क्वेश्चन आते हैं गाइस नीट के अंदर, एंड थ्योरी वाले क्वेश्चन मोस्टली लोग गलत करते हैं। मैं दो क्वेश्चन थ्योरी वाले गलत करके आऊँ नहीं तो मेरे 160 आते हैं। सो थ्योरी वाले क्वेश्चन पे भी काम करो एंड अपनी बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। पहला पॉइंट यही है, बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जब तक तुम्हें साइन का कोस का साइन इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना नहीं आएगा जब तक तुम्हारी बात नहीं बनेगी। सो बस यही कुछ पॉइंट्स थे, यही मैं बताना चाहता था कि तुम्हें फिजिक्स के अंदर क्या क्या फॉलो करना चाहिए। एनसीईआरटी फॉलो करो, पीवाईक्यूज करो, जेए के भी करो, नीट के भी करो। नीट के जो पीवाईक्यूज है वो 2010 ऑनवर्ड्स करोगे तो फिर तुम्हारा चल जाएगा, उससे पहले वाले भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला शीट बनाओ एंड मैं तुम्हें अपना फॉर्मूला शीट भी दिखाता हूँ वो भी। सो गाइज ये है मेरे शॉर्ट नोट्स, जैसे कि तुम देख सकते हो ये है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के शॉर्ट नोट्स। मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेता था एंड उसके बाद हेडिंग डाल के उसके नीचे उनके फॉर्मूलेस वगैरह लिख के उनको अलग से हाईलाइट करने के लिए रेक्टेंगल के अंदर डाल देता था। ऐसे तुम लोग भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सबको कवर कर सकते हो। ऐसे तुम्हारा एक चैप्टर 2-3 पेज के अंदर आ जाएगा एंड लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। रेफरेंस के लिए तुम देख लो एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।